दोस्तों, आखिर त्रिजटा कौन थी, वह किसकी पुत्री थी और उसने माता सीता का इतना साथ क्यों दिया और अंत तक उनका ख्याल क्यों रखा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। दोस्तों, त्रिजटा रावण की नगरी की एक राक्षसी थी जिसका जन्म तो राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन उसका हृदय देवियों के समान पवित्र था। वह रावण को दुष्ट और पापी समझती थी और भगवान विष्णु में विश्वास रखती थी। जब पंचवटी आश्रम से रावण ने माता सीता का अपहरण किया था, तब माता सीता को अशोक वाटिका में रखा गया, जहां त्रिजटा को ही उनकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया। दोस्तों, उस समय उसने अपनी बुद्धिमता के साथ माता सीता को संभाला था। दोस्तों, त्रिजटा के जन्म के बारे में तुलसीदास की रामचरितमानस और वाल्मीकि की रामायण में तो नहीं बताया गया है, लेकिन कुछ अन्य भाषाओं की रामायण में त्रिजटा के बारे में बताया गया है। प्रमुख मान्यताओं के अनुसार त्रिजटा को रावण के छोटे भाई विभीषण और उनकी पत्नी शर्मा की बेटी बताया गया है। कुछ अन्य रामायण में त्रिजटा को रावण और विभीषण की बहन के रूप में दर्शाया गया है। इन सब बातों को प्रमाणित तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह निश्चित है कि त्रिजटा का जन्म राक्षस कुल में हुआ था। फिर भी उसके अंदर राक्षस प्रवृत्ति के गुण नाम मात्र के थे। वह हमेशा माता सीता की सच्ची मित्र के रूप में याद की जाती है। जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया था, तब माता सीता की सुरक्षा के लिए रावण ने माता त्रिजटा को कहा और साथ ही सभी राक्षसियों को प्रमुख भी उसे बना दिया। रामायण में त्रिजटा की भूमिका यहीं से शुरू हुई थी, जब रावण के द्वारा माता सीता का अपहरण करके लंका में लाया गया था। तब माता सीता अत्यंत विलाप कर रही थी, साथ ही अशोक वाटिका में अन्य राक्षस भी माता सीता को तंग कर रहे थे। ये सब देखकर त्रिजटा ने अपनी बुद्धिमता से बाकी सभी राक्षसियों को चुप करा दिया था और माता सीता को दुखी नहीं होने दिया। त्रिजटा के कारण ही माता सीता को उस राक्षस नगरी में रहने की शक्ति मिली थी। दोस्तों, वैसे माता त्रिजटा रावण की सेविका थी, लेकिन वह भगवान राम की विजय पर विश्वास रखती थी। उसने अपने और माता सीता के बीच संबंधों को जगजाहिर नहीं होने दिया, लेकिन वह हर पल माता सीता को हर महत्वपूर्ण जानकारी देती थी, जैसे कि लंका दहन होना, समुद्र में सेतु बनना, राम लक्ष्मण का सुरक्षित होना इत्यादि। दोस्तों, देखा जाए तो माता त्रिजटा माता सीता की गुप्तचर ही थी। दोस्तों, अंत समय में जब रावण और राम का युद्ध हुआ, तब भगवान राम ने रावण का वध किया और विभीषण को लंका का राज्य सौंप दिया, जिसके बाद भगवान राम वापस लौट आए। लेकिन उस क्षण त्रिजटा बहुत विलाप तो करती है, लेकिन खुश भी होती है। वह माता सीता की एक अच्छी सहेली भी थी, इसलिए माता त्रिजटा को याद रखा जाता है।